नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल YouTel.com पर स्वागत है। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जोड़ के आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए, एक गाड़ी है जो कि ए से वापस घूम के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस ए पे आ रही है। तो क्लॉकवाइज हुआ ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए, राइट। तो हमारी ए से बी के लिए अभी देखेंगे, ए से बी के लिए जो हमारी डिस्टेंस है वो हुई 4 + 3 7 मीटर। और जो मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई उसके लिए मैं इनिशियल जो हमारा ए है और फाइनल जो हमारा सी है उन दोनों को कर दूंगी कनेक्ट। ये तो कनेक्शन नहीं हुआ ठीक से, एक सेकंड रुकिए, इसे मिटाते हैं, जरा फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे थोड़ा पेन चलाने में डिफिकल्टी है, आशा करती हूँ आप एक बेटर सीधी लाइन बना पाएंगे पेपर पे। हाँ, मानिए सीधी लाइन है क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर से हमारी एसी की वैल्यू आती है 5 मीटर। तो मैं यहाँ लिखूंगी 5। अब गौर फरमाइए कि जो हमारा ये 7 मीटर है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जिसमें हमारी वैल्यू होती है। तो डिस्टेंस में हमारा मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट में भी हमारा मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। जैसे एसी की डायरेक्शन मेरी यहाँ पे हुई साउथ ईस्ट, लेकिन डिस्टेंस की नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी एक मक्खी है, ये वाली लेफ्ट साइड पे देखिए, ये मक्खी है, ये यहाँ से यहाँ तक गई। तो इसमें हो सकता है रास्ता जो है वो ऐसा चुनाव, पर डिस्प्लेसमेंट में देखूंगी तो इनिशियल से फाइनल को मैं सीधी रेखा से कनेक्ट कर दूंगी। तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायरेक्शन मेरी इस डायरेक्शन में हुई। तो अब हम अगली चीज क्या, तो डिस्टेंस में हमारी मैग्नीट्यूड हुई, डिस्प्लेसमेंट में हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हुआ। अब डिस्टेंस में हम क्या करेंगे कि ए से सी तक जाने का इसका टोटल टाइम टेकन देखेंगे, 6 + 4 10 सेकंड। तो ये हुआ 10 सेकंड को हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे डिस्प्लेसमेंट को भी हम 10 सेकंड से डिवाइड करेंगे। तो जब मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलता है स्पीड, और जब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलती है वेलोसिटी। दोनों की जो यूनिट्स है वो सेम है, वो है मीटर पर सेकेंड। ये इसलिए क्योंकि मीटर, क्योंकि स्पीड में पहले डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वो आया जिसमें हमारी लेंथ होती है, और टोटल टाइम टेकन में हमारा सेकेंड आता है। सो आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर है। अगर स्पीड निकालना होगा आप बस डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम टेकन लिखेंगे, आपका स्पीड आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में आप टाइम से डिवाइड कर देंगे, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। दोनों को सेम वर्ड से डिनोट करते हैं, वी से, सेम अल्फाबेट से। स्पीड जो है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी यूनिट टाइम। मैथमेटिकली इसको इस फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है और इसे लिखा जाता है वी इज इक्वल टू एस टी, जिसमें एस जो है वो मेरा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और जो टी है वो मेरा है टाइम टेकन। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हमारी जो डिस्टेंस, जो स्पीड है वो सेम हो। जब हमारा व्हीकल चल रहा है तो उसके इसमें हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या हुआ, जैसे कि मेरा ए से डी की तरफ आ रहा है तो ए से डी में हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो है 4 + 3 + 4 8 मीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हुआ 4 + 5 9 + 6, दैट इज 15। यूनिट हमें पता ही है क्या होता है, एवरेज स्पीड, स्पीड, वेलोसिटी, सबकी यूनिट सेम होती है, दैट इज मीटर पर सेकंड। So, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन करना है, दैट्स इट फॉर द एवरेज स्पीड। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर डिस्टेंस पे मेरा जो टाइम टेकन है वो, हमारी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द व्हीकल वो सेम हो। दैट इज व्हाई एवरेज स्पीड इज डिस्कवर्ड, फाउंड। नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन। सो यहाँ पे जो कैच है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगी कि आप इसको गांठ बांध दें। अगली चीज हमारी आती है, इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे है, इसका सिंबल वी है और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। अगला, जैसे हमारी एवरेज स्पीड थी ऐसी एवरेज वेलोसिटी होती है। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले हैं, जैसे कि यहाँ ए से डी का निकालना है तो पहला तो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मेरा इनिशियल ए है और जो मेरी फाइनल है वो डी है, तो इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, 3 मीटर्स। और वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं। पिछली बार हमने टाइम टेकन निकाला था इसका 15 सेकेंड, तो हमारा ये निकला 3/15 मीटर पर सेकेंड या फिर 1/5 which is 0.2 meter per second। Simple,
दूसरा फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, हमारे जो व्हीकल होता है ना उसपे दो मीटर होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर एक होता है ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर से हमें किसी भी व्हीकल की स्पीड पता लगती है कि वो कितनी गति से चल रहा है, और ऑडोमीटर से हमें ये पता लगता है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब जो डिस्टेंस होती है ना वो इनिशियल जब आपने व्हीकल खरीदा से लेके आज तक की डेट का होता है। तो अगर क्वेश्चन ऑडोमीटर बेस्ड आता है तो आपको दिया होगा कि जब मैंने शुरू किया तो क्या रीडिंग थी और जब फाइनल मैंने रोकी तक क्या रीडिंग थी, तो आप उस केस में टोटल डिस्टेंस निकालेंगे मीटर की रीडिंग से, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, वो आपको डिस्टेंस दे देगा उस टाइम में जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अगला होता है मीन निकालने से। मेरा ए इनिशियल पे बोला स्पीडोमीटर 30 मीटर पर सेकंड और फाइनल पे बोला 50 मीटर पर सेकंड, आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का मीन निकाल देना। इन दोनों का मीन निकालने से आपका आंसर आता है 40 मीटर पर सेकंड, जो कि आपकी एवरेज वेलोसिटी है। आशा करती हूं आपको ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। सो जैसे आपको क्वेश्चन दिखे आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले एक डायग्राम बना देंगे, ये आप कॉपी में भी कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे लिख देंगे 90 मीटर, क्योंकि मेरी यहाँ की भी राइटिंग ढंग से नहीं आ रही है तो आप बेटर ढंग से लिखेंगे। उसके बाद आप इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे पूरा क्वेश्चन पढ़ के। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. तो क्वेश्चन में बोला है कि वो यहाँ से गई दूसरे छोर तक और वहां से वापस घूम के वो वहीं आ गई जहां से उसने शुरू किया था। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, आगे तक भी देखेंगे, इसमें ना आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही ये देखिए हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होता है। डिस्टेंस हमें दे रखी है 180 मीटर टोटल डिस्टेंस है ना, और टोटल टाइम टेकन 1 मिनट, ये लिख लिया। अब मेरे को एवरेज स्पीड में इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। जैसे ही आप ये लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम ट्रेवल, फिर आप लिखेंगे फॉर्मूला। नहीं, उससे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी यूनिट सेम है या नहीं। ये मेरा मीटर में है, स्टैंडर्ड है। ये मेरा मिनट में है, मिनट को मैं सेकेंड्स में करूंगी क्योंकि स्टैंडर्ड है मीटर पर सेकेंड। एक मिनट में होते हैं मेरे 60 सेकेंड्स, राइट। अब कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख देना है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, 180 मीटर बटा 60 सेकंड्स विल गिव मी 3 मीटर पर सेकंड, दैट्स इट। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारा, क्योंकि यहाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर है ना, और टोटल टाइम टेकन है मेरा 60 सेकंड्स, 0/60 विल गिव अस 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप देखिए मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, तो ये होता है मेरा, एक इसके मार्क्स होते हैं एक इसके होते हैं फॉर्मूले के, तो ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है हाफ मार्क का, यूनिट्स होती है हाफ मार्क की, तो ये हो गया 1 मार्क का। एवरेज स्पीड होता है मेरा 1 मार्क का। ये हुआ अगर सिर्फ ये ही पूछते और क्वेश्चन आता 2 मार्क्स का। अगर क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का तो ये तो मेरा 1 मार्क का है, और ये जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू घट के हो जाती है हाफ, तो ऐसे इसमें टोटल आपको मिला 1.5, ऐसे इसमें मिला 1.5। अगर आपको 5 मार्क का मिला तो जो आपने स्टार्टिंग का लिखा है जिसमें आपने वैल्यूज डिफाइन किए हैं कि आपके पास क्या क्या है और आपको क्या निकालना है, उसके उसके आपको यहाँ पे वो मिलेंगे, क्या मिलेंगे उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सो इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है एग्जाम में करते हुए क्वेश्चन। लेट समराइज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। सो रेट ऑफ मोशन जो है वो स्पीड और वेलोसिटी दो टाइप का होता है। स्पीड में हमारा केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। दोनों की यूनिट सेम है विच इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड सेम नहीं रहती है हमेशा, तो एवरेज स्पीड निकालने का है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं। इसको निकालने के दो फॉर्मूलेस हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और दूसरा है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा अगला टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हिंदी में मतलब ये जो इंग्लिश है हमारी, अगर आपको इसी टॉपिक से इस चैप्टर से और सीखना है तो आप हमारी वेबसाइट www.qtel.com पे भी जा सकते हैं, या फिर इसी के ही प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हम फर्स्ट टू ट्वेल्थ की सारी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स, एंड वी आर आल्सो ट्राइंग कि हम पेपर्स बनाएं जिसका आप जैसे ही आंसर दें आपका हैंड टू हैंड आपके ग्रेडिंग आपको पता लग जाए और मार्क्स पता लग जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।